हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू मुसाफिर गर्ल ब्लॉग। और आज का अपना दिन स्टार्ट करते हैं। सुबह उठ गई हूँ, टाइम तो हो रहा होगा अभी 9:23। आज थोड़ा सा लेट हो गया है उठने में, तो अब फटाफट से कर लेते हैं काम। और आज है मंडे, तो आज के दिन मेरा रहता है फास्ट, तो आज तो कुछ खाना वाना होगा नहीं। फास्ट में तो मैं फल वल भी खा सकती हूँ, बट मैं खाती ही नहीं हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा अगर फ्रूट फ्रूट पसंद नहीं होते। तो फटाफट से उठते हैं और सफाई वफाई कर लेती हूँ अपने रूम की और नहाने चल जाती हूँ। उसके बाद पूजा करके मैं आपसे अब बाद में मिलूंगी। और देखो, सुबह उठते ही सबसे पहले कौन आता है मेरे रूम में, वो है ये किट्टू। पता नहीं क्या सूंघती रहती है ये मेरे रूम में आके। फाइनली मैं नहा ली हूँ, रेडी भी हो गई हूँ, पूजा कर ली है। आज मेरा फास्ट है तो पूजा कर लिया है, इसीलिए आप देख सकते हो चाय और जूस दोनों चीज रखी है। पापा ने चाय बना के दे दी और जूस मैंने बाहर से मंगा लिया। अब मैं कंफ्यूज हूँ कि क्या चीज पीऊँ, तो पहले मैं जूस पी लूंगी, अभी चाय रहन दूंगी, चाय मम्मी को दे दूंगी और बाद में देखेंगे, क्योंकि चाय वाय का भी मन भी नहीं है चाय पीने का, तो जूस पी लूंगी अभी। तो जूस पी लेती हूँ सबसे पहले मैं। ओफो, जूस पी लिया अपना। अब तो कुछ करने की सोच रही हूँ, आज सोच रही हूँ कि एसी के लिए जाऊंगी। एसी पूछ कर आती हूँ कि कितने का पड़ेगा, एक बार एसी के लिए चली जाती हूँ, एक बार रेट ले आती हूँ कि मेरे को कितने तक का पड़ेगा। और बाकी आज दो तीन चीज़ें और लाने की सोच रही हूँ, तो वो अभी थोड़ी देर में जाऊँगी मार्केट। अभी टाइम वैसे हो रहा है 12 बज रहे हैं, तो आराम से चलेंगे थोड़ी देर में। और एक इस कमरे के लिए घड़ी लानी है, क्योंकि यहाँ पे घड़ी की बहुत ज़रूरत है, पूरे कमरे में मेरे घड़ी नहीं है। घड़ी मतलब जैसे सुबह सुबह उठते तो टाइम देखने में ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, फ़ोन दूर होता है और फिर एक से शूट चल रहा होता है तो फिर देख नहीं पाती, तो इसलिए घड़ी तो इम्पोर्टेंट है इस रूम के लिए, तो घड़ी भी लेकर आनी है आज। और थोड़ा सा रेडी हो गई हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ, मैंने जैसा आपको बताया था कि एसी के लिए चली जाती हूँ, तो एसी पूछाती हूँ कितने तक का मिलेगा। और बर्थडे के लिए ड्रेस लेने की सोच रही हूँ, बट अभी पक्का नहीं, फाइनल नहीं है कुछ भी कि मतलब अभी लूँगी या फिर कब लूँगी, बट हाँ अभी सोच रही हूँ। सबसे पहले एसी के लिए चले जाती हूँ, जो दो तीन चीज़ें अलार्म क्लॉक चाहिए यहाँ के लिए, मतलब इस रूम के लिए, वो चीज़ें हाँ मैं देखाती हूँ कितने तक की मिलती है, उसका बजट ले आती हूँ, और अगर कोई बजट में आ गई तो वो चीज़ लेकर आ जाएंगे। तो फिर चलो चलते हैं फटाफट से, फटाफट से हो जाते हैं रेडी बाहर जाने के लिए। वैसे बस थोड़ा बहुत ही करना है, मैं ज़्यादा मेकअप करती नहीं हूँ और मुझे मेकअप आता भी नहीं है, थोड़ा बहुत आता है जितना, मतलब कि थोड़ा सा अच्छा फेस दिख जाए इतना आता है, और ज़्यादा आता भी नहीं है, तो थोड़ा बहुत मेकअप करते हैं फटाफट से अपना। ये मेरा ट्रैवल के लिए जाती हूँ, तो इसमें मेकअप का सारा सामान रखती हूँ, और मैं इसे निकालना भी फिर पसंद नहीं करती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है फिर इसे निकालना दोबारा डालना आलस वाली चीज़ आ जाती है, तो इसलिए मैं नहीं करती हूँ। तो अभी बस मैं जल्दी जल्दी से फटाफट से कर लेती हूँ। फाइनली अब हो गई हूँ मैं बिल्कुल रेडी, बाल बाल भी सेट हो गए। आज बाल पता नहीं क्यों ठीक लग रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से सेट हुए हैं, और थोड़ा बहुत सा मेकअप सा कर लिया है, बस लिपस्टिक विपस्टिक और लूज पाउडर वाउडर लगा लिया है। मुझे ज़्यादा मेकअप आता नहीं है, तो कोशिश करती हूँ करने की, थोड़ा बहुत सीखूँगी धीरे धीरे करके ये भी, बट अभी तो टाइम है, अभी तो जितना आता उतना ठीक है। तो फटाफट से चलते हैं अब बाहर मार्केट, और सबसे पहले देखेंगे एसी देख लेंगे और ड्रेसेस देख लेंगे एक बारी, मतलब देखते हैं क्या पसंद आता है। अभी तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, और बर्थडे पे मैं क्या पहनूँ मतलब कोई आइडिया ही नहीं लग पा रहा है। जैसे कि ड्रेस होता है, मतलब पिछले बर्थडे पे मैंने ड्रेस पहन ली थी, फ्रॉक वाली ड्रेस पहन ली थी, बट इस बर्थडे पे समझ नहीं आ रहा है क्या पहनूँ। तो देखते हैं मार्केट में कि क्या क्या चीज़ नहीं आई हुई है, क्या क्या नहीं आई हुई, उसी के अकॉर्डिंग देखते हैं और लेते हैं फिर। Thank you.
और मैं घर आ गई हूँ। अब थोड़ा सा काम है, मम्मी है नहीं घर पे, मम्मी गई हुई है मामा के घर, तो अब सब्जी बना रही फटाफट से, आलू गोभी की सब्जी, देखते हैं कैसी बनती है। बहुत टाइम हो गया छोड़े हुए सब्जी बनाना, देहरादून में थी जब भी खुद बनाती थी, अब देखते हैं कैसी बनेगी। तो फटाफट से सब्जी बनाने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ, क्योंकि किचन में हो गई बहुत ज़्यादा गर्मी, तो वहाँ पर फ़ोन लेके जाना तो सही नहीं है, तो चलती हूँ भाई। किचन में खड़े खड़े धोती है, हालत ख़राब आप देख सकते हो। अब मैं ये सोचूं कि मम्मी कैसे बनाती है डेली खाना बनाना, रोटी बनाना, सब्जी बनाना। मैं तो बस सिर्फ अभी सब्जी चढ़ा कर आई हूँ, ऐसी हालत हो गई है और ऊपर से गर्मी इतनी लग रही है। और मैंने सब्जी बना ली है, आलू गोभी की पता नहीं कैसी बनी होगी, देखते हैं अभी। और मैंने चूरमा भी बनाया है, क्योंकि आज मंडे है, मेरा फास्ट होता है, तो इसकी वजह से मतलब चूरमा भी बनाती हूँ। और अब सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि मैं आज मार्केट से लेकर क्या आई। मैं मार्केट से एक लेकर आई हूँ ये बेकॉस से, मतलब ये उसके लिए बाउल है, और फेस पे मतलब लगाने के लिए पैक होता है या फिर ब्लीच होती है, जो भी मतलब ब्लीच व्लीच तो मैं लगाती ही नहीं हूँ, बट पैक और स्क्रब तो करती हूँ, वो लगाने के लिए ये एक बाउल, और एक इसके अंदर कुछ मतलब टिश्यूज़ भी हैं, और एक स्पून्स है, और कुछ छोटे छोटे से स्पून भी है। देखेंगे, बाय वन गेट वन फ्री में लेकर आई हूँ मैं, और एक लेकर आई हूँ मैं ये भी ब्रश लेकर आई हूँ, एक मेकअप ब्रश, और ये कुछ टिश्यू का पैकेट, और मैं लेकर आई हूँ ये फ़ोन का कवर जो आप देख रहे हो अभी, ये मैं लेकर आई हूँ 180 रुपीज़ में। बाकी वो महंगा बोल रहा था, मैंने कहा नहीं मैं तो 170 या 180 दूंगी, तो मैं 170 हाँ नहीं 180 नहीं सॉरी 170 रुपीज़ में लेकर आई हूँ। मुझे बहुत प्यारा कवर लगा है, बट ये जो बीच का है ना, इससे कुछ भी मतलब है नहीं क्लास क्लास, सीधा मतलब एप्पल पे मतलब लग रहा है, हाथ लग रहा है, बाकी और कुछ नहीं है। और अब देखते हैं थोड़ी देर में करूँगी डिनर, अभी तो टाइम है, क्योंकि पापा भी नहीं आया, पापा आएंगे, पापा के साथ करेंगे डिनर। अब देखती हूँ आज के मतलब आज कोई रील एडिट नहीं करी है, तो एक आधी रील एडिट कर लेती हूँ, रील एडिट करने के बाद रील अपलोड करूँगी। बहुत दिन से रील अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, तो रील अपलोड करूँगी। और वैसे मैंने कल एक रील अपलोड करी थी, और एक अब कर दूँगी, और प्लीज़ जाके फॉलो करो, 30,000 तो पहुँचाओ कम से कम फॉलोअर्स को, फटाफट से जाके आप फॉलो करो, यहाँ पे मेरी आईडी मेंशन हो रही होगी, फटाफट से। और प्लीज़ सब्सक्राइब करो, कि व्लॉग पसंद नहीं आ रहे क्या आप लोगों को, अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो ना, और अगर नहीं पसंद आ रहा तो मुझे बताओ कि मुझे क्या चीज़ सुधारनी है व्लॉग में, वो मैं मतलब पूरी अपनी कोशिश करूँगी उस चीज़ को सुधारने की। और आज तो कुछ खास हुआ नहीं, मतलब कुछ मज़ा सा नहीं आया आज के दिन में, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। बट हाँ, ये दो तीन चीज़ें लेकर आई थी, सोचा था मैं क्लीन अप करूँगी आज अपना, थोड़ा स्क्रब करूँगी, बट टाइम नहीं मिला, तो अब कल करूँगी। और अभी इसी के साथ करते हैं व्लॉग एंड, सब्सक्राइब करते हुए जाना, लाइक ज़रूर करना, बाय।